हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे कैप्टन अमेरिका 4 से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज बात करेंगे हम इसके टाइटल के अपडेट के बारे में, बात करेंगे इसकी रिलीजिंग डेट के अपडेट के बारे में और बात करेंगे इसके स्टोरी के अपडेट के बारे में कि क्या स्टोरी हमें देखने को मिल सकती है। तो गाइड वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन अमेरिका 4 की रिलीजिंग डेट के बारे में और टाइटल के बारे में। तो जो टाइटल है वो भाई बहुत ही ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जी हाँ, आपको लगा होगा डिफरेंट है बट नहीं है। आपने फैल्कन एंड विंटर सोल्जर तो सीरीज देखी होगी, जिसमें कि पहले एपिसोड का जो नाम था वो था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वही सेम टाइटल कॉपी कर इन्होंने कैप्टन अमेरिका 4 का टाइटल बना दिया। तो टाइटल तो भाई मई से मिल गया, तो कुछ उसमें नया नहीं है। बट बात करी जाए रिलीजिंग डेट की, तो कैप्टन अमेरिका 4 की जो रिलीजिंग डेट है वो है 3 मई 2024। यानी कि मई के महीने में हमें 2024 में कैप्टन अमेरिका से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, जो कि एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका होगा। बट अब बात करी जाए स्टोरी की, स्टोरी क्या देखने को मिलेगी। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसके नाम से ही पता चलता है कि भाई इस दुनिया में गवर्नमेंट इशू कितने सारे हैं। जब इतने सारे लोग रिटर्न हुए तो क्या दुनिया पे असर पड़ा। फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में हमने यही देखा कि इतनी सारे लोग जब वापस आ जाते हैं तो दुनिया पे क्या असर पड़ता है, लोगों को खाने की कितनी ज्यादा कमी हो जाती है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमें इसी चीज से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। और उसी के साथ जब मल्टीवर्स बिगड़ेगा बुरी तरीके से, तो आम जनता पे क्या असर पड़ेगा, गवर्नमेंट पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि जो हम आने वाले टाइम में बड़े लेवल की मूवी देखने वाले हैं वो तो सिर्फ हमें सुपर हीरो की दिखाई जाएगी, पर आम जनता का क्या। तो कैप्टन अमेरिका हमें उसी चीज से इंट्रोडक्शन कराएगी। और सबसे बड़ी बात कि इस मूवी में आपको रेड स्कल देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप बात करी जाए यहाँ पे कॉमिक बुक की कंपैरिजन की, तो कॉमिक बुक में न्यू वर्ल्ड के नाम से रेड स्कल को दिखाया जाता है, वो दोबारा से रिटर्न होता है और अपनी एक न्यू टीम बिल्डअप करता है और हल्क को पकड़कर उसका ब्रेन वॉश कर देता है और हल्क को एज वेपन यूज करता है। तो ऐसी कुछ कॉमिक बुक में स्टोरी है। अगर ऐसा मूवी में हमें देखने को मिला तो लिटरली मजा आ जाएगा। अब बात करी जाए अगर एमसीयू की, क्योंकि मार्वल हमेशा कॉमिक बुक को इग्नोर मार के काम करता है, तो रेड स्कल एक्चुअल में अभी जिंदा है। और रेड स्कल अभी तक इतने टाइम तक क्यों नहीं रिटर्न हुआ था, क्योंकि उसको रक्षा करनी थी सोल स्टोन की। और अब सोल स्टोन जा चुका है और रेड स्कल बिल्कुल फ्री हो चुका है, तो मे बी शायद ये सही मौका है रेड स्कल को इंट्रोडक्शन कराने का और वो अपनी एक न्यू दोबारा से टीम बिल्डअप करेगा। और आपने अर्थ माइटीज हीरोज तो देखा होगा, तो थोड़ा स्टोरी मुझे वैसी लग रही है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बात करी जाए टाइटल की, तो भाई इन्होंने बहुत ही इजी तरीके से हमें बेवकूफ बनाया और हम सोच रहे थे कि टाइटल कुछ अलग ही होगा, बट इन्होंने एपिसोड 1 का ही टाइटल चेप दिया। पर कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है आने वाली स्टोरी में। और आपको अगर ये अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।